मेगलोडोन शार्क, जो कि धरती पर राज करने वाली सबसे बड़ी मछली हुआ करती थी, समंदर में मिलने वाले इसके अवशेषों को देखकर पता चलता है कि इससे ज्यादा खतरनाक कोई और जीव शायद ही कभी रहा होगा। वैसे तो माना जाता है कि ये समुद्री दानव कई लाख साल पहले ही धरती से विलुप्त तो हो चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये बात एकदम गलत है और वो मेगलोडोन शार्क विलुप्त न होकर आज भी समंदर की गहराइयों में कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है, जिसके जिंदा होने के कई सबूत भी समय समय पर कुछ लोगों को मिला भी करते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही परिणामों पर जो मेगलोडोन के धरती से विलुप्त तो हो जाने पर सवाल खड़े करते हैं। नंबर 10, फॉसिल फाइंड्स। अगर मेगलोडोन के फॉसिल यानी कि जीवाश्म पर नजर डाली जाए तो खास तौर पर इनके दांत वैज्ञानिकों को इनसे जुड़े रहस्यों को सुलझाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद आज भी एकदम वैसे ही सही हालत में मौजूद है जैसे कि ये कभी उस समय में हुआ करते थे। और कैलिफोर्निया में तो शार्क टूथ हिल नाम की एक जगह भी है जहां पर लोगों को खुदाई के दौरान अक्सर इस मछली के काफी बड़े बड़े दांत मिला करते हैं। और ऐसे में 1875 में एक दिन मेगलोडोन का एक ऐसा दांत मिला जिसे देखकर साइंटिस्ट काफी भौचक्के रह गए, क्योंकि इससे पहले मिलने वाले मेगलोडोन के सभी दांत कई मिलियंस ईयर पुराने हुआ करते थे, लेकिन कार्बन डेटिंग से इस दांत की जो उम्र निकलकर सामने आई वो थी सिर्फ 10,000 साल पुरानी। और अगर कार्बन डेटिंग की उन रिपोर्ट्स को एकदम सही माना जाए तो कई लाख साल पहले विलुप्त हो चुकी ये मेगलोडोन शार्क 10,000 साल पहले भी समंदर की गहराइयों में मौजूद थी। नंबर 9, द सी ऑफ कॉर्टेक्स। द सी ऑफ कॉर्टेक्स, जिसे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से जाना जाता है, और मेगलोडोन से जुड़ा सबसे बड़ा किस्सा भी धरती के इसी कोने से निकलकर सामने आता है। यहाँ पर मौजूद एरिक मैक नाम का एक लोकल फिशरमैन जुलाई 2008 को अपनी नौका में बैठकर मछली पकड़ने के लिए समंदर में उतरता है, इस बात से अनजान कि आज उसकी मुलाकात एक ऐसे जीव से होगी जिसका ख्याल उसे कभी अपने सपने में भी नहीं आया होगा। उसने बताया कि थोड़ी दूर चलते ही उसकी वो बोट काफी बड़ी शार्क से टकरा जाती है। उस शार्क का आकार इतना बड़ा था कि उसकी खाली पूंछ भर ही पानी में 5 फीट तक बाहर थी, और अगर बात की जाए इसके शरीर की तो उसकी लंबाई करीब 60 फीट थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर मौजूद और भी कई लोगों द्वारा अक्सर एक ऐसे जीव को देखे जाने की बात कही जाती है जिसकी संरचना कहीं ना कहीं मेगलोडोन शार्क से मेल खाती है, और उसे वहां के लोगों द्वारा पुकारा जाता है ब्लैक डिमोन के नाम से। अब ये कोई ब्लैक डिमोन नाम का कोई और समुद्री क्रिएचर है या मेगलोडोन शार्क, कहना थोड़ा मुश्किल है। नंबर 8, द मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच, जो कि धरती पर मौजूद सबसे गहरी जगह है, ये जगह इतनी गहरी है कि इसके अंदर पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट समा सकता है। इसके बावजूद यहाँ पर काफी जगह बच जाएगी, और साइंटिस्ट अभी भी इस जगह के बारे में ना के बराबर ही जानते हैं। उनका मानना है कि यहाँ पर कुछ ऐसे ही जीव मौजूद है जो कि इंसानी कल्पना से एकदम परे हैं। समंदर में करीब 36,000 फीट की गहराई वाले इस एरिया में इंसानों ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 700 फीट की गहराई का एरिया ही एक्सप्लोर किया है, जिसके चलते मजबूत से मजबूत पनडुब्बियां भी इतनी गहराई में मौजूद पानी के उस दबाव को झेल नहीं पाती। और वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो ना हो, अगर मेगलोडोन शार्क आज के समय में जिंदा है तो समंदर के इस एरिया में उसके लिए छुपकर जीवित रहने के लिए एकदम परफेक्ट कंडीशन मौजूद है। अगर मेगलोडोन शार्क के आज के समय में भी जीवित होने का सबसे बड़ा कोई सबूत हो सकता है तो वो है उसे जिंदा देखा जाना, लेकिन वहीं ऐसे में अगर उसे कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाए तो शायद ही उसके होने को नकार पाएंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ 2012 में, जब ब्राजीलियन कोस्ट गार्ड में एक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, तो उस समय उनके वहां पर किसी तरह से एक 60 फुट लंबी जायंट शार्क को जाते हुए कैमरे ने कैप्चर कर लिया। देखिए आप इस वीडियो में यहाँ पर एक काफी बड़ी मछली को जाते हुए खुद से ही देख सकते हैं। और जब इस वीडियो क्लिप की जांच करवाई गई तो पता चला ये वीडियो एकदम रियल है, मतलब कि इसके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। और अगर ये जीव मेगलोडोन नहीं तो फिर इसके अलावा और क्या है? इसका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि देखने में तो ये जीव किसी शार्क की तरह ही प्रतीत होता है। वैसे आपका क्या मानना है इस बारे में कॉमेंट में तो बता दो। नंबर 6, द कैप टाउन साइटिंग्स। मेगलोडोन के असल जिंदगी में जिंदा होने के इस एविडेंस ने दुनिया भर के रिसर्चर्स को कहीं ना कहीं यकीन दिला दिया है कि वो विशालकाय मछली आज भी समुंदर में मौजूद है, जीवित है। ये एक मामला 1942 का, जब कैप टाउन के समंदरों में एक काफी विशालकाय मछली को देखा गया। वो कुछ सबमरीन्स के साथ से होकर गुजर रही थी और उसी समय उसकी कुछ पिक्चर्स को कैमरे में कैद कर लिया गया।
इन पिक्चर्स में काफी बड़ी शार्क के फिन्स को साफ साफ देखा जा सकता है, और जब इस पिक्चर में मौजूद इन सबमरीन की तुलना में उस विशालकाय शार्क के आकार का आकलन किया गया तो पता चला कि ये शार्क करीब 64 फीट तक लंबी रही होगी, जबकि इस समय में धरती पर मौजूद सबसे बड़ी शार्क द ग्रेट व्हाइट शार्क की लंबाई करीब 20 फीट हुआ करती थी। अब अगर इन पिक्चर्स को देखा जाए तो ये किसी और ही तरफ इशारा करती हैं, जिन्हें देखने के बाद वैज्ञानिक ये मानने पर मजबूर हो जाएं कि मेगलोडॉन आज भी समंदर में मौजूद है। नंबर 5, बीच्ड मेगलोडॉन। ये वीडियो भी एक और मेगलोडॉन के होने के उन सभी बड़े सबूतों में से एक है जो आपको भी ये मानने पर मजबूर कर देगा कि मेगलोडॉन शार्क आज भी जीवित है। ये वीडियो मेक्सिको के एक बीच की है, जहां पर समंदर किनारे पानी की गहराई में बहकर आई एक काफी विशाल शार्क को साफ साफ देखा जा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों का कहना था कि एक नॉर्मल शार्क है जिसका आकार काफी ज्यादा बढ़ चुका है, लेकिन आज से पहले कभी भी किसी और शार्क को इतने बड़े आकार में देखा या फिर से रिकॉर्ड नहीं किया गया, और इस शार्क का आकार तो करीब 40 फीट लंबा था। कुछ लोगों ने इस बात को झूठा बताकर इस किस्से को यहीं पर दबाने की भी कोशिश की, लेकिन जो सबूत कैमरे में कैद हो गए उन्हें कोई कैसे झुठला पाएगा भला। वैसे आपका क्या मानना है इस वीडियो एविडेंस के बारे में, कॉमेंट करके बताइए। नंबर 4, द टेललेस व्हेल। अब जब भी कभी बात होती है किसी चीज से जुड़े कुछ रहस्य को सुलझाने की तो उसमें कई तरह के तर्क और वितर्क तो बनते ही हैं। ऐसे में कुछ लोग इनसे जुड़े तथ्यों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ इन्हें सिरे से ही नकार देते हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा है इस वीडियो फुटेज का भी, जिसमें एक समंदर किनारे पड़ी एक व्हेल दिखाई दे रही है, और हैरानी की बात तो यह है कि इस व्हेल का नीचे का हिस्सा पूरी तरह से कटा हुआ है। हैरानी इसलिए क्योंकि इसके शरीर पर काफी बड़े दांतों के निशान भी हैं। आपको बता दूं ये व्हेल आकार में 70 फीट लंबी है, जिसे बीच में से दो भागों में बांट पाना किसी आम जीव के बस की तो बात नहीं है। और जब एक्सपर्ट्स ने इस व्हेल को एग्जामिन कर लिया तो पता चला कि इसे जिस भी किसी जीव ने मारा है उसने इस कारनामे को एक ही बार में अंजाम दिया है। अब एक 70 फीट लंबी व्हेल को बीच में से दो भागों में काटने के लिए इतने बड़े किसी जीव के होने की आवश्यकता भी होती है, साथ ही उसके काफी बड़े तेज धार वाले दांत भी होने आवश्यक हैं। अब ऐसे में ये सभी बातें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव की ओर इशारा करती है, जिसका नाम शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 3, शॉकिंग फाइंड्स। समय समय पर लगातार कुछ न कुछ ऐसी खोजें भी होती ही रहती हैं, जो मेगलोडॉन के होने के उन दावों को और ज्यादा मजबूत कर देती है। साइंटिस्ट ने आज से कई साल पहले कोयल एकेंटेस नाम की इस मछली को भी विलुप्त घोषित कर दिया था। उनका मानना था कि डायनासोर्स के समय में ही मछलियां समंदर में से अपना अस्तित्व खो चुकी थी, लेकिन 1952 में एक दिन एक मछुआरे को ये मछली अपने जाल में मिली, जिसके बाद जब साइंटिस्ट ने समंदर में काफी गहराई से जांच की तो उन्हें पता चला आज भी ये मछली समंदर में काफी गहराई में छुप रही है। कुछ ऐसे ही 1976 में मेगामाउथ शार्क नाम की इस मछली को भी वैज्ञानिकों ने समंदर की गहराई से ढूंढ निकाला, जो आकार में 15 फीट तक लंबी हो जाती है और समंदर की गहराई में ही रहना पसंद करती है। अब इन सभी मछलियों के मिलने से वैज्ञानिक इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि शायद मेगलोडॉन भी इन मछलियों की तरह हमारी आंख से ओझल होकर समंदर की गहराइयों में रह रही हो। नंबर 2, बिग शार्क इन ऑस्ट्रेलिया। समंदर इतना गहरा है कि इंसान इससे ज्यादा तो मार्स के बारे में जानता है, और कुछ ऐसे ही समंदर के बारे में जानने की चाह में एक दिन ऑस्ट्रेलिया के कुछ डाइवर एक केज की मदद से समंदर में जा उतरते हैं, जिसके बाद इन्होंने एक रोंगटे खड़े कर देने वाले नजारे को देखा। उनके सामने काफी विशाल आकार की मछली होकर गुजरती है, जिसका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ हद तक व्हाइट शार्क से मेल खा रहा था, लेकिन इसका आकार व्हाइट शार्क के मुकाबले में काफी बड़ा था। वैज्ञानिकों का मानना था कि समंदर के इस इलाके में ग्रेट व्हाइट शार्क का होना लगभग नामुमकिन ही है। ऐसे में वो अनुमान लगाने लगे कि कहीं ये विलुप्त हो चुकी मेगलोडॉन तो नहीं, और अगर ये मेगलोडॉन ना हो तो हो सकता है उस दिन उन्होंने शार्क की किसी और ही प्रजाति को ढूंढ निकाला हो, जो कि अभी तक इंसान की नजर में नहीं आई हो। नंबर 1, अनएक्सप्लोर्ड ओशियन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका है, जो कि कोने कोने पर जीवन के अलग अलग पहलुओं से भरा पड़ा है, और अभी तक इंसानी जीवन के इतने सालों के प्रयास के बाद भी समंदर के सिर्फ 5% हिस्से को ही हम जान पाए हैं। मतलब कि समंदर का 95% हिस्सा अभी भी इंसान की पहुंच से बाहर है, और जैसे जैसे इंसान तकनीकी दुनिया में तरक्की करते हुए समंदर के नए नए पहलुओं को खोज रहा है, उसे हर रोज कोई ना कोई नया जीव देखने को जरूर मिल ही जाता है। ऐसे में उसने ऐसे कई जीवों को खोज निकाला है जिन्हें एक समय में विलुप्त माना जाने लगा था, और जैसे जैसे इंसान समंदर की गहराइयों की ओर बढ़ेगा
तो वैज्ञानिकों का मानना है कि मेगलोडोन तो क्या, उसे समंदर में ऐसे दैत्यकार और रहस्यमय जीव भी मिल सकते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों आपका क्या मानना है समंदर में मिले मेगलोडोन से जुड़े इन सभी परिणामों का? क्या ये रहस्यमय दैत्यकार मछली आज भी समंदर में जीवित हो सकती है? मुझे अपनी राय कॉमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना।